उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार सातवीं बार विधायक बने कोंडा के राजा भैया के नाम से मशहूर रघुराज प्रताप सिंह ने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ की कोंडा सीट पर एक बार फिर से रघुराज प्रताप सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। यूपी की सियासत में इस सीट की बड़ी चर्चा रहती है क्योंकि कोंडा में केवल एक ही शख्स का राज चलता है और वह है राजा भैया। राजा भैया ने भले ही समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव को हरा दिया हो मगर इस बार उनकी सियासी बादशाहत कम हो गई है क्योंकि इस बार उन्होंने 1.5 लाख वोटों से जीतने का वादा किया था। राजा भैया ने सदन में अपने अलग अंदाज में कुछ ऐसा किया कि वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा है। बता दें कि एक समय में राजा भैया को समाजवादी पार्टी के बेहद करीबी माना जाता था। यूपी की सपा सरकार में वो मंत्री भी रहे। कई मौके पर जब राजा भैया संकट में घिरे तो मौजूदा सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव उनके मसीहा भी साबित हुए। लेकिन इन सब के बाद आज अखिलेश यादव से उनके रिश्ते ठीक नहीं है। वजह है साल 2019 में राज्यसभा चुनाव होने थे। राजा भैया भले ही निर्दलीय विधायक थे और अप्रत्यक्ष तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ थे, उस दौरान सपा और बसपा के बीच गठबंधन के चलते राजा भैया ने मायावती के विरोध में अखिलेश की बात नहीं मानी और उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को अपना वोट दे दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में दलीय राजनीति से बाहर निकलकर नेताओं ने खूब हंसी मजाक किया। मौका था विधानसभा के नए अध्यक्ष सतीश महाना को बधाई देने का। नेता सदन के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में सपा मुखिया अखिलेश यादव खड़े हुए। फिर एक के बाद एक सदस्यों की संख्या के आधार पर छोटे दलों के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। इस बीच जनसत्ता दल के नेता और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बारी आई। राजा भैया ने अपने अंदाज में विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी और फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कटाक्ष भी किया। हालांकि कुछ ही देर बाद राजा भैया के एक दोहे पर पूरा सदन ठहाके लगाते नजर आया। आइए देखते हैं राजा भैया ने क्या कहा। अगर राजनीतिक दलों के ऊपर संख्या बार आप जाएं, तो या तो आपके सहयोगी जीते हैं या तो आपके सहयोगी जीते हैं। तो कबीरदास जी का एक दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। तो बड़ी छोटी सी संख्या जिसमें मोना जी भी हैं, उमा शंकर जी भी हैं, जनसत्ता दल भी है, बहुत छोटी सी संख्या 5 सदस्यों की है। तो इधर भी आपकी कृपा दृष्टि रहे, इधर भी ध्यान आकर्षण रहे, यही मैं कहना चाहता हूँ। उनके इस दोहे के बाद खुद अखिलेश यादव ने टेबल पर थपकी देकर राजा भैया का समर्थन किया। राजा भैया विधानसभा अध्यक्ष से बोले, एक लंबे समय से आपका कार्यकाल, आपकी कार्यशैली और आपका व्यवहार देखने को अवसर मिल रहा है। 29 साल हो गए हैं कि हम लोग साथ साथ बैठे हैं, ऐसे में आपको कोई ये सलाह दे कि हमारे ऊपर भी नजर डाले, इसका औचित्य मैं अभी महसूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर दल के नेता ने आप पर विश्वास किया है, इसीलिए हम मानकर चल रहे हैं कि आपकी नजर, आपका अनुग्रह और अवसर की समानता हम सबको मिलेगी। राजा भैया के इस बयान के बाद सीएम योगी भी जोर से हंसते नजर आए। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।